खबर कोरिया जिले से है, जहां थाना चर्चा के अंतर्गत फुलपुर ऑक्सीजन पार्क नर्सरी में आग लग गई है, जिसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दे दी गई है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। अथक परिश्रम के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की दुर्घटना नहीं हुई है। आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। खुद जिला अग्निशमन अधिकारी SN बोरवरकर एवं दीपेंद्र सिंह फायरमैन व अन्य फायर ब्रिगेड टीम मौजूद रही। R9 भारत के लिए साहिल अंसारी की रिपोर्ट, कोरिया बैकुंठपुर छत्तीसगढ़। खबर बलरामपुर जिले से है, जहां बलरामपुर DFO ने जंगलों में लगने वाली आग से बचाने की अपील की है। DFO ने कहा कि अग्नि से जंगलों की सुरक्षा एक चुनौतीपूर्ण काम होता है, भाग इसको उसी दृष्टिकोण से देखता भी है और पहले से तैयारी रहती है कि जंगलों को बचाने के लिए फायर लाइन की कटाई कर लेते हैं, ताकि अग्नि कहीं पर लग जाए तो उस पर नियंत्रण पाना बहुत आसान रहे। तैयारियों के तहत पूरे जिले में लगभग 500 अग्नि प्रहारी नियोजित किया गया है, जो 15 फरवरी से 15 जून तक अपने काम में लगे रहेंगे। उनको विधिवत ड्रेस भी दिया गया है और अन्य सुविधाएं भी दी जा रही हैं। यह लोग ग्रुप में रहकर आग की घटना दिखेगी तो नियंत्रण करने के लिए तत्काल रवाना होंगे। उनको निर्देशित करने के लिए रैपिड रिस्पांस टीम भी बनाई गई है। इस तरह की घटनाओं को टालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बावजूद भी कहीं आग लग जाती है तो उस पर नियंत्रण करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। अग्नि से सुरक्षा को लेकर परिक्षेत्र स्तरीय कार्यशाला का आयोजन भी किया गया है। वे लोगों को बुलाकर समझाने का प्रयास भी किया गया कि वन संपदा की सुरक्षा में विभाग का सहयोग करें और स्वयं प्रेरित होकर दूसरों को भी समझाने का प्रयास किया जाए, तब जाकर वनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। फायर के सीजन में जगह जगह जंगलों में आग देखने को मिल रहा है, जिससे बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र अंतर्गत जगह जगह जंगलों में भीषण आग लग गई है। वन अमला द्वारा लगातार आग पर काबू पाने के लिए सभी तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं। जंगलों में पहाड़ियों पर आग की लपटे चारों ओर देखी गई। बीते कई दिन से वन कर्मियों के होश उड़ गए हैं, लगातार वनों में आग से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, परंतु आग पर एक और काबू पाते हैं तो दूसरी ओर दहकती आग की सूचना तत्काल मिलती है। पहाड़ियों में चारों ओर धुआं ही धुआं साफ फैला हुआ है। आग पहाड़ी के चारों ओर लगी हुई है। इन दिनों वन कर्मियों की हालत खराब हो गई है, क्योंकि पहाड़ी के तराई इलाकों से लेकर पहाड़ी की चोटियों तक हर तरफ आग का अलग अलग ठिकाना बना हुआ है। एक ओर बुझाया जा रहा है तो दूसरी ओर आग दहकने लग जा रही है। सुरक्षा अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण काम होता है। विभाग इसको उसी दृष्टिकोण से लेता भी है। पहले से हमारी तैयारी रहती है जंगलों को बचाने के लिए। हम लोग पहले से फायर लाइन की कटाई कर लेते हैं, ताकि अगर अग्नि कहीं भूल चूक से लग जाए तो उस पर नियंत्रण पाना बहुत आसान रहे। तैयारियों के तहत हम लोग पूरे जिले में लगभग 500 अग्नि प्रहरी नियोजित कर रहे हैं। पूरे अग्नि सीजन में 15 फरवरी से लेकर 15 जून तक ये लोग अपने काम में लगे रहेंगे। उनको विधिवत ड्रेस वगैरह भी हम लोग दे रहे हैं और भी जो सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं देंगे। ग्रुप में रहेंगे ये लोग, जहां पर भी आग की घटना घटित होती हुई दिखेगी तो उस पर नियंत्रण करने के लिए ये तत्काल रवाना होंगे। उनको निर्देशित करने के लिए एक रैपिड रिस्पांस टीम भी विभाग के द्वारा बनाई गई है। तो इस तरह की घटनाओं को हम टालने का प्रयास करेंगे। अगर उसके बावजूद अगर कहीं लग गया तो उस पर नियंत्रण करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे और उसको उसी चुनौती के रूप में लिया जाएगा जिस तरह की परेशानी होती चाहे। तो इस तरह से विभाग अपनी पूरी क्षमता के साथ वनों में लगने वाली अग्नि पर नियंत्रण करने का पूरा प्रयास करेगा। निश्चित रूप से हम सब लोगों के सहयोग से सफल भी होंगे और इस संपदा की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। R9 भारत के लिए अजीम अंसारी, कोरिया सूरजपुर सरगुजा छत्तीसगढ़ से रिपोर्ट।